नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक मतलब एक लीडिंग कंपनी, जैसे लीडिंग कंपनी मतलब इंडिया के जैसे बहुत सारे ग्रुप्स है, जैसे HDFC ग्रुप्स है, जैसे महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप है, तो इस तरीके से सेम टू सेम बजाज भी एक दिग्गज ग्रुप्स है, जिसका सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है? बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है। तो इसी तरीके से सेम टू सेम आज मैं बात करूंगा बजाज ग्रुप के और एक कंपनी के बारे में, जो हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए हैं, मतलब हेल्थ केयर मतलब टीम से जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिसका नाम है बजाज हेल्थ केयर, जो हाल ही में कुछ ही दिनों में मार्केट में आए हैं। तो अभी देखा जाए तो कंपनी एक साल भी नहीं हुआ, तो इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था सर कि इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करूं। तो आज मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डेटा दिखाऊंगा, कुछ डिटेल्स दिखाऊंगा, उसके बाद लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात, मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी कौन सा है? बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। तो बजाज हेल्थ केयर जो लिमिटेड है वो अराउंड आपको बजाज ग्रुप के ही एक कंपनी देखने को मिलेगा। और कंपनी देखिए जो एक्चुअली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। तो हेल्थ केयर मतलब फार्मास्यूटिकल के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जो उसका जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट्स जो प्रोडक्ट्स यही बनाते हैं, API यही बनाते हैं, फॉर्मुलेशन यही करते हैं। अब देखिए इंस्पिटिस ये भी मतलब इम्प्यूरिटाइज यही कंपनी करते हैं। तो इसका जो ब्रांड है, इसका जो मतलब जो सर्टिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, कौन सा सर्टिफिकेशन लेकर कंपनी काम कर रहा है। तो ये एक हेल्थ केयर सिस्टम है, मतलब एक देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के वीडियोस पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स दिखाने के बाद मैं जो जो चीज आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, कंपनी का इस बार परफॉर्मेंस। देखिए मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस सबसे पहले आपको देखना चाहिए। परफॉर्मेंस मतलब कंपनी ने हर क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और उससे बेसिस से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको आपको सबसे पहले जानना है। अगर वो चीज आपने जान लिया तो आपको घबराने का कोई चिंता नहीं है, अगर वो चीज सही दिखा तो आपको उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो चलो वही सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दिखाने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी के ऊपर डिविडेंड। कंपनी अराउंड 1.50 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है, मतलब देने वाला है। देखिए 300 रुपीज का शेयर में आपको 1.5 रुपीज का डिविडेंड कोई खराबी नहीं है, क्योंकि जिसका फेस वैल्यू 5 रुपया है, तो 5 रुपये का फेस वैल्यू हिसाब से 30% का आपको डिविडेंड मिल रहा है, कोई खराबी नहीं है। तो अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे कंपनी पे आउट करने वाला है। उसके बाद देखिए कंपनी का जो रिजल्ट के बारे में बात करते, कंपनी का रिजल्ट जो है वो लाखों में है। तो रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। देखिए बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जब कोविड आया था तब जितना भी खराब कंपनीज हो, जितना भी फार्मास्यूटिकल खराब कंपनीज हो, वो उस टाइम सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, क्योंकि लोग जानते थे इस टाइम सबसे ज्यादा मेडिकल सेक्टर और जितने सारे डायग्नोस्टिक सेक्टर है, जितने सारे मतलब फार्मा सेक्टर है, वो ज्यादातर ग्रोथ करेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसी कंपनीज के ऊपर हुआ। आप देखेंगे तो लॉकडाउन पीरियड में जितने सारे कंपनीज थे वो सारे के सारे गिर गए थे, सिर्फ एक ही कंपनीज खड़े हुए थे, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो इसी कंपनी के ऊपर फ्यूचर में भी क्या इस तरीके से ग्रोथ रहेगा? देखिए खराब सिचुएशन में और इसका अच्छे सिचुएशन में वो तो ग्रोथ कर लिया, मगर खराब सिचुएशन में मतलब जिस टाइम में टाइम पीरियड ठीक ठाक चल रहा है, सब सारे के सारे चीज ठीक ठाक चल रहा है, उस टाइम पीरियड में इस कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कंपनी के टोटल इनकम के बारे में बात करूं, मतलब टोटल रेवेन्यूज के बारे में बात करूं, तो 17,600 जो लाखों में है, और पिछले क्वार्टर में कितना था? 16,700 जो पिछले साल में था 13,400। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ मेंटेन किया हर क्वार्टर बेसिस, हर साल बेसिस। यही एक बड़ी पॉइंट है जो कंपनी को पॉजिटिविटी में लेके जाते हैं। दूसरी बात, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं, तो टोटल एक्सपेंस देखिए 15,900 जो पहले था, 14,400 जो पिछले सालों में था, 10,400। इसका मतलब कंपनी ने एक्सपेंस भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ।
अभी देखना है कंपनी के टैक्सेस भी कितना पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अब देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिट ही हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 1747 लाखों का। तो अराउंड आप इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप 17 करोड़ आप बोल सकते हैं, और जो पिछले क्वार्टर में कितना था 1744 करोड़, अराउंड आप यहाँ पे भी 17 करोड़ बोल सकते हैं। पिछले सालों में कंपनी का इनकम कम होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया था, अराउंड 2117 करीबन 20 करोड़ तक, 21 करोड़ तक। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, दो बार, इस बार भी 17 करोड़, पिछले बार भी 17 करोड़, मैं एक राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ, और पिछले साल में कितना था, 21 करोड़। आप सोच लीजिए, कंपनी का ग्रोथ तो अच्छा था, कंपनी का इनकम तो अच्छा था, मगर कंपनी ने लास्ट में कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट बचा वो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। तो इसका कारण बेसिस से आपको कंपनी को खराब नहीं कहना है, कंपनी में परफॉर्मेंस हमेशा इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, क्योंकि सिनेरियो के बेसिस और सिचुएशन के बेसिस कंपनी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो ये जो सिचुएशन है, ये जो सिनेरियो है आप जो देख रहे हैं, वो एक्चुअली कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी किया है। तो कंपनी के देखिए, दो बार का रिटर्न ऑफ मतलब अर्निंग पर शेयर 6.33 है, और इस बार कंपनी का सर पिछले साल में कंपनी का 7.71 था। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कंपनी का, सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ। कौन सा डिस्क्लेमर, वो है कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, 856 करोड़ का कंपनी है। तो देखिए इस तरीके से कंपनी में आपको एक मंथ के अंदर 20-30% तक गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो आप इस तरीके से सिनेरियो के लिए तैयार रहना, इस तरीके से सिचुएशन के लिए रेडी रहना, क्योंकि माइक्रो कैप टाइप कंपनी जिस तरीके से भागते हैं उस तरीके से गिरते भी है। कंपनी की एक चीज मुझे और भी अच्छा लगा, वो है कंपनी का पीए रेशियो। कंपनी का पीए रेशियो इंडस्ट्रीज पीए रेशियो से बहुत बहुत कम है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पीए रेशियो 24 है, इसका पीए रेशियो 12 है। और कंपनी का देखिए बुक वैल्यू जो है वो 119 है, कोई खराबी नहीं है। कंपनी का सबसे जो अच्छा पॉइंट्स है वो है कंपनी देखा जाए तो इसका डेप्ट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.78 है। तो आप कहेंगे सर 0.78 डेप्थ मतलब तो ज्यादा है, देखिए डेप्थ ज्यादा भी है मानता हूँ, मगर फिर भी देखिए कंपनी ने इनकम भी तो अच्छा खासा किया, 71 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अब एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला, जैसे 20% 24% इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव में है, जैसे 70 करोड़ का कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव में है। इसका मतलब देखिए एक पॉइंट आपको नेगेटिव यहाँ पे जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी में अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जैसे कंपनी का पैसा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरों के पास से और भी ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के हाथ में उतना तो कैश नहीं है, क्योंकि कंपनी के हाथ में तो नेगेटिव कैश है। और अर्निंग पर शेयर भी चलो ठीक ठाक है, कंपनी के इन्वेंटोरीज डे, कंपनी का डेटोस डे, एक तो एक एवरेज लेवल में है। तो अभी देखना है कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी रैंकिंग बहुत नीचे होगा, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। और तीसरी बात, कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो देखिए कोरोना के लॉकडाउन टाइम में, इस लॉकडाउन टाइम में ही देखिए कंपनी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया, आप समझ लीजिए उस टाइम में कंपनी का बिजनेस सबसे ज्यादा चला, तो इसलिए कंपनी ने प्रॉफिट किया। मगर ये नहीं कि कंपनी ने उस बार उसके बाद कंपनी फिर से प्रॉफिट कम करना स्टार्ट कर दिया, कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट तो कम हुआ मगर एक मेंटेन कर रहा है कंपनी का प्रॉफिट को। प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूं, साल भर की कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो उसके बाद कंपनी ने आपको किस तरीके से रिटर्न दिया चलो वो देख लेते हैं। कंपनी देखिए 5 साल में 31% और 3 साल में 54% और 1 साल में 22% तक, मतलब कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ था तब से कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा खासा ही किया है। सिर्फ 1 साल में क्यों नेगेटिव नहीं हुआ, फिर भी देखिए कम प्रॉफिट हुआ, इसका कारण आप सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट में किस तरीके से गिरावट हो रहा है, जो ग्लोबली इंपैक्ट है, साथ ही साथ क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, साथ ही साथ कंपनी के ऑल ओवर इंडिया का जो मतलब इन्फ्लुएंसी है उसको बढ़ जाने के बाद इस तरीके से नेगेटिविटी आया। तो क्या इन्वेस्टर किस तरीके से है, इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास ही 67% होल्डिंग है, उसके बाद देखिए पब्लिक के पास 32% होल्डिंग है, और FIS और DIS के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। हाँ चलो FIS के पास थोड़ा सा होल्डिंग है। तो मैं यही चीज आपको बोलना चाहता हूँ, जब माइक्रो कैप टाइप कंपनी आते हैं तो उसके ऊपर ज्यादातर निवेशक पब्लिक कर देते हैं, इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर कोई भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब जोखिम भरा काम करना।
तो वो दूसरों को पैसा लेकर काम करते हैं और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न कमाते हैं। तो उसको इस तरीके से कंपनी से अच्छा लगता है, वो और भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लेवल कंपनी है, जो मिड कैप स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप का टाइप कंपनी है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी देखा जाए तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी भी थोड़ा सा नेगेटिविटी में है, फिर भी मैं कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। कंपनी के पैरामीटर बता रहा है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए मेरा मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कल जाके निवेश कर देंगे, इसके ऊपर स्टडी करिए, बहुत रिस्की कंपनी है क्योंकि एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।